एक आईक्यू के लिए बैक की स्क्रीन के साथ कुछ और भी एक्सेसरीज इसमें मंगाया है, तो एक बार मैं आज इसको अपने आईक्यू पे अप्लाई करके देखता हूँ कि क्या मैं सही से इसको अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। और दोस्तों ये लगभग पैकेज जो है ना वो लगभग 450 से 500 के आसपास पड़ा है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ एक्सेसरीज आई हुई है इस कंपनी की ओर से। इसको एक बार ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें। दोस्तों इस पैकेट पे कुछ लिखा तो नहीं है, हो सकता है इसके नीचे जो होगा उस पर लिखा होगा इन्होंने, तो एक बार इसको भी ओपन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पैकिंग तो अच्छी लगी मुझे, जो 450 रूपया मैंने पे किया उसके हिसाब से पैकिंग तो अच्छी लग रही है। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं गियर ग्रिक गियर नाम से ये साइट है, यहाँ से मैंने इसको मंगाया है। अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ से इसी साइट से मंगा सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ऑलरेडी मैंने इसको परचेज किया तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये। अगर आपको पसंद आए तो जाके परचेज करिएगा। हाँ दोस्तों ऑलरेडी आप देख सकते हैं मैं आईक्यू के 7 पे पीछे बैक स्क्रीन लगाया हूँ, जिसका प्राइस लगभग 130 रूपये के आसपास पड़ी है। तो इसको लगाना है तो इसको लगा दीजिएगा, मगर इसमें थोड़ा सा ये कलर जो है ना वो डिफरेंट है, इसलिए इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो कैसे लगाना है वो एक बार फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं। तो इसको एक बार ओपन करते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इनका कूपन कोड मिल रहा है, अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो कूपन कोड मिल जाएगी यहाँ पे। और बात करें दोस्तों कि अंदर क्या दिखा है तो आप देख सकते हैं, ये अलग से मैंने मंगाया। एक तो यहाँ पे प्लेन बैक जो स्क्रीन है वो मिल जाती है, आप ऐसा लुक देना चाहते हैं तो यहाँ पे सब कुछ सिस्टम दे दिया है, लेंस प्रोटेक्शन भी दे जाता है और साइड में इसके लिए यहाँ पे IQ7 के लिए मिल जाता है, पूरी बैक स्क्रीन के लिए दिया है। और एडिशनल के तौर पे दो और आपके लेंस प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएंगे, अगर अलग से लुक देना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने दो अलग से भी मंगाया, आप देख सकते हैं, एक ये है एक व्हाइट में और एक ग्रे के कलर में। तो इन दोनों को यूज करना चाहते हैं तब भी आप इसको लेंस पे यूज करके ना इसका जो लुक है थोड़ा सा अलग दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं दोनों को अभी यूज नहीं करूंगा, केवल इसके साथ जो आया है इसी को यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं IQ7 में जो पहले बैक स्क्रीन आया उसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ये भी पता चल जाएगा कि दोस्तों अगर आप बैक स्क्रीन लगाते हो तो क्या उसमें कोई दाग धब्बे तो नहीं छोड़ जाता है स्क्रीन रिमूव करने के बाद। तो एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ, दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, किसी तरह का कोई दाग धब्बा छुपता नहीं है, तो आप आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्राइस तो नहीं है। और दोस्तों इस पैकेट में इन्होंने एक क्लीनिंग क्लॉथ भी दिया है, आप देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं क्वालिटी वाइज काफी अच्छा लग रहा है। तो इससे अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लीजिएगा, मैंने लेंस पे भी चिपका रखा है, इसको भी हटाना पड़ेगा मुझे, देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा, किसी तरह का कोई दाग धब्बा ना रहे, नहीं तो लुक अच्छा नहीं आएगा। तो मैं इसको क्लीन कर लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया, किसी तरह का कोई दाग धब्बा मेरे IQ7 में देखने को नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप लेंस का जो स्क्रीन है उसको लगाइएगा, कि बाद में अगर पूरा स्क्रीन लगाते हैं तो किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। तो मैं पहले लेंस ही वाला लगा रहा हूं, देख सकते हैं आप यहां पे सिंपल सा एक पहले लेंस वाला निकाल रहा हूं और इसको सावधानी से यहां से फिक्स कर दे रहा हूं, देख सकते हैं आप बिल्कुल फिक्स हो गया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, एकदम साइज इसकी एक्यूरेट है। मैं कहूंगा दोस्तों ये सारा फिक्स करने के बाद ना थोड़ा सा या तो आपके यहाँ हेयर ड्रायर होगा या थोड़ा सा हीट दे देंगे ना तो ये प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं जो साइड का है ना उसको लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये देख सकते हैं इसको यहाँ पे आईक्यू को ये पूरी तरह से कवर कर देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो गया, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आई, आप भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसका जो बैक स्क्रीन है उसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे कुछ लगाने में। तो इसको प्रॉपर तरीके से रख दे रहा हूँ, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा हीट कर देने के बाद ना ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गया, किसी तरह का कोई उभार नहीं है। और मैं कहूंगा दोस्तों एक तरह से बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है। अगर इसका लुक आप चेंज करना चाहते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैमरे का स्क्रीन है उस पर आप दूसरे कलर वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं ये वाला है, अगर उसको लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख के थोड़ा सा लुक अलग दे सकते हैं। तो खैर अभी फिलहाल मैं यही यूज कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं इसको चेंज कर दूंगा और दूसरे वाला भी लगा दूंगा। उनमें से कोई भी फिक्स करना चाहते हैं तो आप फिक्स कर सकते हैं, केवल ये 30-30 रूपये की आती है, हालांकि अब लोकल शॉप पे तो मिलेगा नहीं तो आपको ऑनलाइन ही परचेज करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। तो काफी अच्छा सा लुक रहेगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल जो लुक है ना IQ7 का वो चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप भी अगर पसंद आए तो ट्राई करिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो कोई जरूरत नहीं है परचेज करने की, आपका जो लुक है IQ7 का वो पहले से भी प्यारा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।